सबसे इजी रेसिपी के लिए सब्सक्राइब करें रेहानाज स्मार्ट किचन को और हमारी रेसिपी को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राई चिकन। ये सभी की फेवरेट बल्कि मोस्ट फेवरेट रेसिपी होती है। ये सभी को बेहद पसंद होती है। इसे हम हर फंक्शन में बनाते हैं। इसे खाने का कोई वक्त या मौसम नहीं होता। इसे जब भी आपका दिल करे आप इसे बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्राई चिकन बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है आधा केजी चिकन। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके पीसीज में मैंने कट भी लगा लिए हैं, इससे मसाला इसके अंदर तक चला जाए। अब हम इसके अंदर डालते हैं 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने चिकन के हिसाब से ले सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। फिर इसमें डालेंगे आधा प्याली दही, यानी दही मैंने 4-5 चम्मच लिए हैं। दही में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर इसमें डालेंगे 1 अंडा और फिर हम इसमें कलर आने के लिए डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून। हमारे चिकन में कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। अब हमने देखा कि हमारा बाउल थोड़ा सा छोटा है, इसके लिए मैंने इसको एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और फिर इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। अब हम इन सब मैरिनेशन को अच्छे से चिकन को मसाज करते हुए बहुत ही अच्छे से मिलाएं, ताकि इसके अंदर तक बहुत ही बढ़िया तरीके से टेस्ट आ जाए, ताकि सारे फ्लेवर इसके अंदर तक पहुंच जाएं। बहुत ही अच्छे से इसका मसाज करते जाएं, हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से मिलाएं। मैदा और कॉर्नफ्लोर डालने से चिकन का जो मॉइस्चराइज़र है वो सब इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। ये सभी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब हमारे चिकन को फ्रिज में रखे 2 घंटे हो चुके हैं। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए हमने तेल को रख दिया है मीडियम हाई फ्लेम पर। मेन बात तो ये है कि चिकन को फ्राई करने में टाइम तो लगता ही लगता है, तो जब हमारा तेल गर्म हो जाए तो इसमें चिकन के पीसेस को एक एक करके डाल दें। ध्यान बस ये देना है कि आपकी कढ़ाई में तेल पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें आधा तेल भरा होना चाहिए, क्योंकि जब कढ़ाई को कवर करेंगे तो तेल बाहर तक नहीं आ जाए। जब चिकन को 1 मिनट हो जाए पकते हुए तो तब हम चिकन के पीसेस को हल्के हाथ से पलट देंगे और फिर हम इसको ढक्कन से कवर कर देंगे, इससे हमारे पीसेस अंदर से अच्छे से पक जाएं। तेल कढ़ाई में पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टीम से तेल कढ़ाई के बाहर भी आ सकता है। और चिकन को आप प्रेशर से पकाएं, इसके लिए इसको ढकें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसको छेड़े ना, चिकन को तेल में पकने दें मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए। अब हम इसका ढक्कन हटाकर देखेंगे कि हमारा चिकन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसको हम एक एक करके निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा चिकन कितना अच्छा फ्राई हुआ है। लेकिन हमें इस स्टेप पर एक स्टेप और करना है कि हमें चिकन को पीसेस को निकालने के बाद 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। जब हमारे चिकन के पीसेस ठंडे हो जाएं तो फिर हम तेल को हम फुल फ्लेम पर सुपर हाई होने तक गर्म कर लेंगे। एकदम धुआं निकलना चाहिए तेल का। फिर हम सुपर हाई तेल में चिकन के पीसेस को दोबारा से कढ़ाई में फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए, जिससे इसका जो मॉइस्चर है वो चिकन में नहीं रहे। फिर हम चिकन को कढ़ाई से निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है।
सर्व करने के लिए। कितना शानदार हमारा चिकन फ्राई हुआ है, इसको आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।